हमारे बीच में एसपी गौतम जी, आइए उनसे जानकारी लेते हैं कि यहाँ आज उपराज्य निवास पर धरना देने का क्या तात्पर्य और बाबा साहब की बातें कर रहे हैं और बाबा साहब को बड़े पैमाने पर लेकर चल रहे हैं। जब मान सम्मान की बात आती है तो बाबा साहब याद आते हैं और उससे पहले ना बाबा साहब याद नहीं आते हैं, इसी तरीके से आइए हम बात करते हैं। सर, आज का आपका यहाँ धरना प्रदर्शन का क्या महत्व है? इसका महत्व ये है कि जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में जो समानता का अधिकार दिया है उसके तहत एससी एसटी के जो शिक्षक हैं उनका ये अधिकार बनता है कि उनको भी प्रतिनिधित्व दिया जाए, लेकिन आजकल जो पॉलिसी अपनाई गई है उसके अनुसार एससी एसटी के शिक्षकों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है और उनके बिना यहाँ पर पीजीटी से जो वाइस प्रिंसिपल और टीजीसी से पीजीटी की लिस्ट निकाली जा रही है, जो संविधान के अनुसार अनुचित है और इलीगल है, और हम इसीलिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि हम पुरजोर उसके समर्थन में हैं और इस जो विसंगति है उसको दूर किया जाए। और माननीय उपराज्यपाल जी को आज ज्ञापन दे करके ये संदेश देना चाहते हैं कि जो विसंगति है और जो उनके साथ असमानता का व्यवहार हो रहा है उसे दूर किया जाए और उस विसंगति को तुरंत दूर किया जाए। जो क्या विसंगति आपको नजर आ रही है? विसंगति ये नज़र आ रही है कि जो बाबा साहब ने समानता का अधिकार दिया था, ये हमारा जो अधिकार है कि जो कानून है कानून के तहत या समानता का जो अधिकार है एफआर के अनुसार हमारा ये राइट बनता है एससी एसटी शिक्षकों का कि हमको रिजर्वेशन प्रमोशन दिया जाए, क्योंकि मामला जो कोर्ट में पेंडिंग है जब तक कोर्ट में से कोई आदेश नहीं हो जाता जब तक जो पहली स्थिति है वही बनाए रखी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जो एससी एसटी टीचर्स के साथ अन्याय है, इलीगल है, उसे तुरंत ही हटा करके और एससी एसटी वालों को भी प्रमोशन में आरक्षण दिया जाए जिससे उन्हें समानता के अधिकार का जो उल्लंघन हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। सर, जब आरक्षण की बात करते हैं, रिजर्वेशन की बात करते हैं, तो सभी डिपार्टमेंटों के अंदर ऐसा चल रहा है और अभी ही आपकी आंखें क्यों खुली हैं? ऐसा नहीं है, समय समय पर इस तरह के एजिटेशन होते रहते हैं, लेकिन जब कोई समस्या आती है तभी उसका निदान किया जाता है। जिस तरीके से व्यक्ति बीमार होता है तभी उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, तभी दवाई दी जाती है। अब समस्या आई है तो उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है और उसका इलाज किया जा रहा है, लेकिन जब समस्या ही नहीं होगी तो इलाज भी कहाँ से किया जाएगा? तो अब समस्या जब है तब उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, तब उसको इलाज किया जा रहा है, उसको दवाई दी जा रही है। ज्ञापन जो है एक इलाज है, इकट्ठे होकर के एजिटेशन करने का भी एक तरीका है। जिस तरीके से डॉक्टर किसी बीमार व्यक्ति का इलाज करता है उसी तरीके से जो व्यवस्था है उसका इलाज करने के लिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सर, आप इतना बड़ा संगठन चला रहे हैं और संगठन के तहत आपने इतनी गैदरिंग दिखाई है, एक आगामी योजना आपकी क्या रहेगी? आगामी योजना होगी, जब तक एससी एसटी को न्याय नहीं मिलेगा, उन शिक्षकों के साथ अन्याय जारी रहेगा, तब तक ये संघर्ष भी जारी रहेगा। जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता, उनको प्रमोशन में जो आरक्षण है नहीं मिल जाता, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा और जारी नहीं रहेगा और बड़े लेवल पर इसका संघर्ष जारी रहेगा। जो बहुत अच्छी बात, यदि बातों को नहीं माना जाता, अगर हमारी आवाज़ को नहीं माना जाता, प्रमोशन के तहत अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो इससे ज़्यादा एक और तकड़ा एक संग्राम होने जा रहा है।